हमें कुछ सवालों के जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। जैसे हमारे ज़िंदगी में जो भी कुछ हो रहा है, इसके पीछे का मकसद क्या है, कुछ भी पता नहीं चलेगा। जब स्पेशली गम की बारिश होती है तब, और ये बारी बारी क्यों हमारे साथ ही होता है, पता भी नहीं चलेगा। इसके वर्ड से हैं, राह में जो निकले पत्थरों से टकराना पड़ेगा, राह में जो निकले पत्थरों से टकराना पड़ेगा। तजुर्बे यूं ही नहीं मिला करते, तजुर्बे यूं ही नहीं मिला करते, बहुत कुछ गंवाना पड़ता है। आई थिंक सब ठीक है ना, बट हमारे साइड से सब ठीक हो सकता है, लेकिन तजुर्बा होना भी बहुत ज़रूरी है। सब ठीक है ना, हाँ। आई थिंक हमारे साइड से सब ठीक है, पर कुछ लोग ठीक नहीं हैं। जब लोग ठीक नहीं हैं तो तजुर्बा, जब तजुर्बा चाहिए तो पत्थर, दैट इज़ द आंसर। फिलहाल कुछ पॉजिटिव की बातें और कुछ नेगेटिव की बातें, और उसके बाद पॉजिटिव की बातें, कुछ मेरी कुछ आपकी बातें करते हैं। अच्छा, कभी आपने ऐसा नोटिस किया है, जो सबसे ज़्यादा हर्ट होती है ब्रेकअप शेप तो है, उसमें कौन सी बात? आपने जो भी बातें कही हैं, आपने जो कस्में निभाई हैं, जो साथ निभाने की कस्में खाई हैं, जो जब वो टूटता है किसी और की वजह से, उसकी वजह से या किसी और की वजह से, जब बड़ा दुख होता है, वो जब सोचा था किसी और की वजह से टूटता है, सामने वाले की वजह से या फिर किसी और की वजह से, ये बातें जो मुकम्मल नहीं होती ना, वो सारे बातों को कैंसिल करना पड़ता है, और ये सब जो हो रहा है देखना पड़ता है, और वो सबसे ज़्यादा बहुत दुख देता है, बहुत ज़्यादा दर्द देता है। कभी रो के मुस्कराए, कभी मुस्कुरा के रोए, कभी रो के मुस्कराए, कभी मुस्कुरा के रोए, जब भी तेरी याद आई सब भुला के रोए, जब भी तेरी याद आई सब भुला के रोए। एक तेरा ही नाम था जिसे हजार बार लिखा, जितना लिख के खुश हुए उसे, जितना लिख के खुश हुए उतना मिटा के रोए, जितना लिख के खुश हुए उतना मिटा के खुश हुए। ये बात है ना, मैंने कहीं पढ़ी हुई थी। अच्छा चलिए छोड़े, कह देते हैं, और एक्सपीरियंस भी की थी। जब आपका खुद का इंसान जब आपको खुद में नहीं मानता है और वो दूर चले जाता है, और जिस रिश्ते में रहना ही नहीं चाहता, वो आपको मानना ही नहीं चाहता, वो आपका कॉन्फिडेंस ना हिल जाता है, ये समझ के नहीं, ये मेरा वाला इंसान मुझे नहीं मानेगा तो मैं कैसे मान सकती हूँ। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली हम उनसे उनको फ्रीडम दी रहती है, फ्रीडम हमने दी होती है, कभी ना कभी तो जाके कोई फ़ायदा उठाना ही गया, इसका असर हमारे डिसीजन पर पड़ती है। ये ठीक तो कर रही हूँ ना, आगे बढ़ूँ, अगर ये ठीक नहीं हुआ तो कैसे? हिल जाता है दोस्तों कॉन्फिडेंस, हकलाते हुए लफ्ज़ निकल रहे हैं, हकलाते हुए लफ्ज़ निकल रहे हैं, यकीन मानिए दिल पर गहरी चोट चोट लगी है। एक बात बताऊँ, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, शुरू शुरू में ऐसे ही होता है, आप खुद मानना थोड़ा सा कम कर देंगे, कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, मायूस हो जाएंगे, उसके बाद एक्सपेक्टेशन वाला फील आएगा, मुलाकातें थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी, फेड होती जाएगी, वो नेगेटिविटी वाली सारी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और उसके बाद ये लाइन याद रखिएगा, आज तुम्हारे साथ हो, बस वही काफ़ी है। ज़िंदगी में थोड़े से थोड़े लम्हे तो मिलेंगे ना, बाकी सब माफ़ी है। ज़िंदगी कभी नीम से कड़वी, बस इस वक्त संभल जाओ।
बस इस वक्त को संभल जाओ, बस यही काफ़ी है। ठीक है ठीक है। अच्छा बात करते हैं उन लोगों की, शुरुआत में सामने वालों को पहले कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, जस बस वो पीछे पड़ जाते हैं कि जैसे कि वो पीछे ही तरह से पड़ जाते हैं कि वो एक बार कह दे कि आई वांट यू, बस कभी भी आप उस पर विश्वास मत करना, एक तो उनकी वजह से और एक आपकी वजह से। कैसे बताते हैं, अब साथ हो तो शिकायत किए जा रहे हैं, अब साथ हो तो शिकायत किए जा रहे हैं, जो पहले कहते थे कि तुम मिल जाओ, जो कहते थे कि तुम मिल जाओ बस और कुछ नहीं चाहिए, अब साथ हूँ तो शिकायतें करते हैं। अब इस पे तो वैल्यू है, एक या तो सामने वाला ऐसा करता था कि मिल जाओ तो काफ़ी है, लाइक पर्सन इज़ ग्रीडी, मे बी ग्रीडी, ओके थोड़ा गुड वे में ग्रीडी, और वो शायद आपको समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या है, और दूसरा आप दोनों स्पेशली यू ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किसी को पा लेना ही इश्क नहीं होता, उस इश्क को निभाने के लिए उस इंसान को समझना भी पड़ेगा, और यू नो अगर वो इंसान आपको इतना सारा प्यार दे रहा है, कहीं से कहीं सामने से भी आपको दिखाना पड़ता है, आई फील कि वो बैलेंस हो, अगर एक तरफा रहे तो शिकायतें होती रहेगी, यार इस रास्ते में मैं ही हूँ, तो उनको भी बोलो सामने वाले को जरा आराम से, दूसरा आप भी थोड़ा थोड़ा सा दिखा देते हो उनकी शिकायतें ना रहे, तो सिर्फ पा लेना ही इश्क नहीं होता, उसको निभाना और संभालना जिंदगी भर के लिए, तो शायद वो इंसान जेन्युइन है तो शिकायत नहीं करेगा, चाहे कोई किसी की गलती हो शिकायत नहीं करता। अगर इश्क मोहब्बत और शिकायतों की बात चली रहे तो ब्रेकअप की बात बताते हैं जिसमें गुस्सा है, पर उसके बाद थोड़ी सी समझदारी है, होता है ना उसके बाद एक खुद के लिए नहीं सामने वाले के लिए, क्योंकि उनके लिए इश्क अभी भी थोड़ा सा जायज है, वक्त बदल जाएगा पर वो कभी ना बदलेंगे, उसकी नीयत पत्थर जैसी है जो कभी ना पिघलेगी, मैंने उसे खुदा समझ के दिल में बसाया पर वो खुद को मंदिर का प्रसाद समझते हैं, जो हर किसी में बटना चाहते हैं। सोचती हूँ कि तोड़ दूँ ये रिश्ता, ख़त्म कर दूँ सब कुछ, पर वो हवाओं सी है जो हर वक्त मेरे सीने से गुजरते हैं, वो नहीं पिघलते, वो अगर आपको नहीं समझते तो अंडरस्टैंडिंग ठीक है, पर इतना पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे जाके वो इंसान आपके पास नहीं होंगे तो सबसे ज़्यादा तकलीफ हर्ट आप ही होंगे, फिर वो गुस्सा कुछ ज़्यादा ही नेगेटिविटी के साथ आपके अंदर से बाहर आएगा, जो कोई नहीं चाहेगा। एक्सप्रेस करना ठीक है, पर अपने आप को संभालना भी बहुत ही ज़रूरी है। उलझी है तो उलझी ही रहने दीजिए साहब, घर सुलझ गई तो क्या है ज़िंदगी, सही है ना, ठीक है। तो दोस्तों ये थोड़े से लव्स थे जो मैंने कॉपी पर लिखे हुए थे, मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ, कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इसी तरह अगले वीडियो में कुछ और शब्द आपके सामने पेश करूँगी। धन्यवाद।